हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम जो कुछ और इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के, थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट है जो काम आएंगे हमारे, इनको देखेंगे। सारे तो नहीं देखेंगे, जो ये कुछ और इम्पोर्टेंट जो टर्म यूज हो सकती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में अभी जो हम पढ़ रहे हैं। बाकी नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और भी ज़्यादा होते हैं जो हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। अभी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उन सबको देखते हैं। तो पुर्लिन हमारा क्लीट हो गया पहला, तो ठीक है। पुर्लिन क्लीट कैसा होता है हमारा, ऐसा देखते हैं जो पुर्लिन से कनेक्ट होता है हमारा, ये होता है हमारा। जैसे पुर्लिन जा रहे होंगे राफ्टर के ऊपर रखे हुए, तो इससे कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं पुर्लिन क्लीट का, और इसके ऊपर फिर हमारी रूफ शीटिंग बिछती है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं, तो ऐसा दिखता है कुछ। दूसरा हमारा क्या हो गया, कॉलर टाई हो गई, ठीक है। कॉलर टाई हो गई, ये हमारी कुछ ऐसी दिखती है, ये हो गई ना, ये हमारे ट्रस होगा, तो इसके ऊपर होती है हमारी कॉलर टाई। ऊपर से जो दो राफ्टर को जो कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं ना एक मेंबर, उसी को हम कॉलर टाई बोलते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं और फोटो, तो ये ऊपर का ही मेंबर होता है, जैसे हमारा ट्रस होगा, ठीक है। नीचे की बॉटम कॉर्ड हो गई, ये हमारे राफ्टर हो गए। तो इसमें ऊपर से भी हम कनेक्ट करने के लिए हम जो ट्रस को है, ताकि अगर सक्शन प्रोड्यूस होती है विंड अंदर से लगती है, तो ये राफ्टर ऐसे ऐसे टूट ना जाए, मतलब यहाँ से जब विंड का प्रेशर लगेगा तो ये अलग हो सकते। तो यहाँ पर हम इस टाई को लगा देते हैं, कॉलर टाई को, जिसकी वजह से ये दो राफ्टर को अलग नहीं होने देती ऊपर की साइड से, ठीक है। वॉल प्लेट हमारी होती है जैसी, ये वॉल प्लेट हमारी कुछ नहीं, एक जैसे लकड़ी का यूज कर लेते हम, लंबर को यूज कर लेते हैं, वॉल प्लेट होती है। जैसे राफ्टर होंगे, अगर हमारे वॉल्स के ऊपर जा रहे होंगे, जैसे वॉल है इसके ऊपर जाएंगे हमारे राफ्टर, तो यहाँ पर हम लकड़ी का वो लगाते हैं लंबर, ठीक है। उससे कनेक्ट होते हैं हमारे ये राफ्टर जो होते हैं ना, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। हम डायरेक्ट उस पर मैसनरी वॉल पे नहीं रखते, उसमें हम लंबर का यूज करते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए मैसनरी वॉल से, ठीक है। ये लंबर जो होगा ना, इसी को हम वॉल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लंबर का यूज करते हैं, वुड का पीस होता है, ठीक है। ये पूरा जा रहा है ना, ये वॉल प्लेट है हमारी, ठीक है। ये पूरी वॉल प्लेट है, ये पूरी वॉल प्लेट है। हमारा बेंट, हम जो भी जैसे हमारा ट्रस होगा ना, कि एक ट्रस के इससे पहले हम ये देख लेते हैं एसिल क्या होते हैं, सिंगल एसिल, डबल एसिल और ट्रिपल एसिल। हमारा जो ये जैसे इंडस्ट्री बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा ना, अगर हम सामने से देखते हैं उसको, तो हमारा ये ऊपर ट्रस होगा और ये हमारे कॉलम होंगे, ठीक है। ये जा रहे होंगे फाउंडेशन में, ठीक है। तो हम इसी को हम एसिल बोलते हैं, ठीक है। एसिल को हिंदी में गलियारा टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो एसिल बोलते हैं इसे हम, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंगल एसिल। अगर इसमें हमारे सिंगल एसिल हो गया, ठीक है हमारा, अगर इसमें हम और कनेक्ट कर दे, हमारा एक और कॉलम लगा दे और ट्रस को हम और लंबा कर दे, तो इसको हम डबल एसिल बोल देते हैं। अगर हम ट्रस को और ज़्यादा, इंडस्ट्री बिल्डिंग को और ज़्यादा बड़ी कर दे, एक और ट्रस लगा दे और एक और कॉलम लगा दे, तो ये ट्रिपल एसिल बोल जाता है। तो जैसे अभी हमारा सिर्फ सिंगल एसिल था, तो उसको हम बैंट बोलते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल का बिल्डिंग का कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना, उसे हम बैंट बोलते हैं एक टाइप से, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक बैंट हो गया। अगर हम सिर्फ एक को ही देखते हैं, हमारा एक देखते हैं सिर्फ, ये हमारा बेंट है, ठीक है। और हमारा ये क्या, सिंगल एसिल। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंगल एसिल बेंट, ठीक है, सिंगल एसिल बेंट, ठीक है। हमारा जैसे अब दो हो गया, हमारी इंडस्ट्री बिल्डिंग है, एक साइड से देख रहे हैं हम सिर्फ, तो इसको हम बोल देते हैं सिंगल एसिल और डबल एसिल बेंट, ठीक है। ऐसे हम ट्रिपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल एसिल बेंट, इसको बेंट बोलते हैं पूरे जो स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, और इसको हम सिंगल एसिल, डबल एसिल और ट्रिपल एसिल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम बेंट का यूज कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं हम, जब एक साइड से देख रहे होते हैं, हमारा पूरा इंडस्ट्री बिल्डिंग का एक बेंट है, ठीक है। ये कुछ टर्म होती है जो यूज हो जाती है। अब हमारा आ गया वैली राफ्टर एंड गटर, इससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू रिपीट हुआ है, वैली राफ्टर बहुत बार पूछा हुआ है हमारी ये टर्म। तो ये क्या होती है हमारा, दिखाता हूँ फोटो से आपको समझ आएगा। जैसे ये हमारी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, तो राफ्टर हमारा तो पता है हम क्या होते हैं, तो ये राफ्टर होंगे, जैसे ये ट्रस होगा हमारा, जैसे तो ये राफ्टर होगा, इस साइड ये ट्रस है तो ये राफ्टर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राफ्टर लगा रहता है ना, उसी को हम वैली बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा देखिए डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन वाले इस पोर्शन को जो यहाँ पर लगा रहता है, उसी को हम वैली राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जब बारिश आएगी तो पानी भी कलेक्ट होगा, तो पानी जो जाता है ना, वो इसी के अंदर हमारा गटर टाइप बना रहता है, उसी से जाता है, तो उसे वैली गटर बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वैली राफ्टर,
और इसी में हमारा नीचे का स्वा होता है, अभी दिखाता हूँ फोटो से। ये जैसे ये हो गया हमारा वैली राफ्टर, तो इसमें यहीं से बारिश का पानी आएगा तो यहीं से जाएगा, तो इसी को हम वैली गटर बोल देते हैं। ठीक है, वैली गटर बोल देते हैं, इसके अंदर से पानी हमारा बाहर की साइड निकल जाता है तो इसे वैली गटर बोल देते हैं। तो पैनल और पैनल पॉइंट और नोडल पॉइंट, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन अभी भी हो सकती है आपको, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा तो हम इसको देख लेते हैं। पैनल का हमारा यूज क्या होता है, तो हम जो ट्रस जब भी बनाते हैं तो पैनल के बेसिस पे बनाते हैं कि हमारा ट्रस एक पैनल का बनेगा, दो पैनल का बनेगा या कितने पैनल का बनेगा। ठीक है, तो हम पैनल के बेसिस पे बनाते हैं। जैसे हमें चार पैनल का ट्रस बनाना है तो हम चार पैनल का ट्रस कैसे बनाएंगे, तो हमें एक दो तीन चार, ये हमारा एक पैनल हो गया, ये हमारा दूसरा पैनल हो गया, ये तीसरा पैनल हो गया, चौथा पैनल हो गया, तो चार पैनल हो गए, तो ये हम चार पैनल का ट्रस बोलेंगे। तो हम कुछ ऐसे ही करके हम ट्रस को डिजाइन करते हैं। जैसे हमें जब भी बनवाना होगा हम ऐसे बोलेंगे चार पैनल का ट्रस चाहिए, हमें चार पैनल का ट्रस बनवाना। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा सिंपल, या फिर हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्या होता है, किंग पोस्ट ट्रस होता है हमारा। ठीक है, हम टाइप ऑफ ट्रस को एक बार देख लेंगे हल्का सा अगले लेक्चर में, किस टाइप का ट्रस अगर हम इतनी लंबी लेंथ का बनाना है, इस पिच का बनाना है, पिच को भी हम देखेंगे, तो एक बार हम हल्का सा देख लेंगे न्यूमेरिकल के डिजाइन स्टेप्स, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल के डिजाइन स्टेप स्टार्ट करेंगे, तो एक बार हम उसको भी देखेंगे। तो इसमें हमारे ये क्या होते हैं, पैनल पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट पैनल पॉइंट होता है, मतलब वन पैनल पॉइंट। ठीक है, इसी को नोड्स भी बोल देते हैं या फिर नोडल पॉइंट्स, इनमें कंफ्यूज नहीं होता, नोड्स या नोडल पॉइंट्स कुछ भी लिखा हो सकता है आपकी स्टेटमेंट में, जब भी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा या फिर न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, तो हमारे इतने पैनल पॉइंट है या फिर इतने नोडल पॉइंट है या फिर इतने हमारी नोड्स है। ठीक है, या फिर इतने जॉइंट्स भी हमारा लिखा हो सकता है। तो जैसे हम बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा ट्रस है, इसमें बहुत सारे मेंबर है हमारे, इसमें सबसे पहले तो हम पैनल निकालते, कितने पैनल है इसमें, हमारा एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल, चार पैनल, पांच पैनल, छह पैनल, छह पैनल है टोटल, तो इसमें कितने हो गए, छह पैनल हो गए। ठीक है, अब पैनल पॉइंट, ये हमारा कंप्लीट पैनल पॉइंट होता है। ठीक है, और जो यहां पर जो लास्ट में होता है ना, ये हाफ पैनल पॉइंट होता है। तो जितने हमारे पैनल होते हैं ना, हमेशा उतने ही पैनल पॉइंट निकल के आते हैं हमारे। ठीक है, ये हाफ पैनल पॉइंट होता है, यहाँ पर हाफ पैनल पॉइंट होता है और एक यहाँ पर हाफ पैनल पॉइंट होता है, दोनों साइड होती है जो हमारी रूफ टीन जाएगी ना। ठीक है, दोनों साइड हमारे पैनल पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वो बना देते हैं गटर, जिसके से पानी यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है अगर हम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हाफ पैनल पॉइंट होता है, यहाँ पर हाफ पैनल पॉइंट होता है, यहाँ वन पैनल पॉइंट, हाफ पैनल पॉइंट। तो इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा जब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। और रूफ शीट भी हमारी दो टाइप की होती है, कोरूगेटेड होती है, टेपर्ड होती है। ठीक है, कोरूगेटेड हमारी नॉर्मल हो जाती है, जैसे अगर हम एसी शीट को देखें तो ये हमारी नॉर्मल कोरूगेटेड हो गई। ठीक है, या फिर हम उसको देख ले स्टील वाली को, तो थोड़ी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, टेपर्ड में हमारा थोड़ा सा हो जाता, गैप हो जाता बीच में, थोड़ा ऐसा हो जाएगा जैसे। ठीक है, जैसे ये जी आई सीट है हमारी, तो बीच में थोड़ा गैप हो जाता ज्यादा। ठीक है, इसी को हम टेपर्ड सीट बोल देते हैं, मेट्रोटीन बोलते हैं या फिर बहुत जगह पर, तो टेफर्ड होती है। और जो कोरूगेटेड होती है वो सिंपल ऐसी होती है, या तो ऐसी मिल जाएगी आपको। ठीक है, या सिंपल ऐसी मिल जाएगी, तो वो कोरूगेटेड होती है, जिसमें थोड़ा गैप भी होता है ना बीच में, थोड़ा गैप देके ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो हमारी टेफर्ड हो जाती है। ठीक है, फोटो दिख जाएगी आपको स्क्रीन में, एक बार कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब देख लेते हम ईव्स, ईव्स क्या होते हैं हमारे, ये हमारी ओवरहैंग बीम होती है। ठीक है, मतलब ईव्स तो हमने वो देख पढ़ी लिया था, क्या होते हैं, हमारे पानी को वॉल से दूर गिराने में मदद करते हैं। तो ये भी दो टाइप की हो सकती है, बस थोड़ा सा इसमें एक बार देख लेते हैं। ओवरहैंग हमारी होगी, जैसे ये हमारा ट्रस होगा, इंडस्ट्री बिल्डिंग होगी, अगर हमारी जो जो है ना सीट, वो अगर हमारी बाहर की साइड जा रही है, मतलब ये क्या है, थोड़ी इंक्लाइन टाइप है ना, तो ये हम इसको ओवरहैंग बोल देते हैं, ओवरहैंग। ठीक है, ईव्स हमारे। ठीक है, अगर फिर अगर हमारा ट्रस जा रहा होगा ना बाहर की साइड, इस केस में हमारा ट्रस जा रहा है, हमारी कॉलम यहाँ पर है। ठीक है, इस केस में हमारा ट्रस जा रहा है। ठीक है, ये मतलब ट्रस के नीचे की स्पैम जा रही है। ठीक है, और हमारी टीम ये तक जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल ओरिजोनटल है, तो इसको कैंटिलीवर ईव्स बोल देते हैं, बस इतना ही है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसे जा रहा हो
यहीं तक हमारी वो किसकी ड्रेस की बॉटम को यहीं तक हो और हमारा ऐसे ओवरहैंग हो रहा हो तो इसको ओवरहैंग बोलते हैं और इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इतना ही है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टर्म होती है पर वो हम अभी नहीं देखेंगे। अभी सब स्टील में हम अगले लेक्चर में एक बार टाइप ऑफ रूफ ट्रस देख लेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होगी, डिज़ाइन से रिलेटेड टर्म और डिज़ाइन स्टेप, उन सबको देखेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा पुर्लिन। पुर्लिन में भी हम पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, डिज़ाइन स्टेप देखेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कुछ पूछना कमेंट कर सकते हैं, फिर मोबाइल पे नंबर है मेरे, व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।